प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य सुजीत तिवारी चैनल भक्ति महिमा के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का वर्णन करने जा रहा हूँ। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी बोले नहीं। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। भीष्म जी का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव सेना के बाजे बजे। इसके बाद दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी बोले नहीं। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। भीष्म जी का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव सेना के बाजे बजे। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद आरंभ हुआ। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों संबंधियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत हुआ। इसके परिणाम में अर्जुन युद्ध करना छोड़कर वाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। तम तथा कृपया धर्म समुद्र चेता
अंतकरण वाला, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित श्रेय हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में मेरे को दीक्षा दीजिए। नहीं प्रपश्यामि मम नोदा चन्नोजम। पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और निष्कंटक राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का अधिपत्य मिल जाए तो ही इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। एवं ऋषिकेशं गुडाकेशं परमतमान् नायोच्यायते गोविंदं त्वा तुष्णीव भुवः। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमोवाचा ऋषिकेश प्रहर्षण्य भारत सेनयोरे भयो मध्य विशीदंतमिदं वचः। हे भरत वंश उद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विशाल करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए भगवान श्री केश ये वचन बोले। अशोय अर्जुन वशोच अस्त्वं प्राज्ञा वदश्च भाषये कथा शोण कथा सुश्च नानु सोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और पंडिताई की बात कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। ना त्वेवाहं जातु नाश न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। मात्रा स्पर्शास्तो कौन्तेय शेषो न सुखद दुःखदा आगमायाणिनो युञ्जास्ता स्थिरच्छस्य भरत भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जो विषय है वे तो शीत और उष्ण के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, वे आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरत वंश उद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। यमेन अवयथयन्ते से मूर्खं पुरुषक्षवः शमदुःखाशखं धैर्यं सौमृत्वाय कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में शम रहने वाले जिस धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श व्यथा नहीं पहुंचाते वह अमर होने से समर्थ हो जाता है, अर्थात अमर हो जाता है। ना सतो विगते भावो ना भावो विदते सता उभयोर मित्रेष्टो अंतस्योस्तमि दर्श्यभि। असत का तो भाव सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही अंतर्तत्व तत्व देखा है। अविनाशी तुदते ये सर्वविदं तथा विनाशमप्यस्य स न कचित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तो उसको जाने जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अंतर्ताय मे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य दशमाध्वयस्य भारत। अविनाशी अप्रमेय और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं, इसीलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। यरेना वेति हर्तारः यस्य न मन्यते हतम् उभौ न विजानीतो नाय हन्ते न हनस्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है वे दोनों ही इसको नहीं जानते, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मरता है और न मारा जाता है। नवजायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूतः भविता भवन भूयः अयो नित्यं शास्यतो अयं पुराणो।
इस शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए।
स्वभाविकस्य च कीर्ते मरणादधिचिन्त्यते सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाले। अब कृति का कथन करेंगे। अब कृति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। भयाद्रणादवन प्रतम अभ्यंसित्वा महारथा ये शाचत्वं बहुमत भूतमाया सुमिलाघवम। महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपरत होगा मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है उनकी इस दृष्टि में लघुता को प्राप्त हो जाएगा। अवाच्य और
अतः तू कर्म फल का हेतु भी ना हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति ना हो। योगस्थ गुरु कर्माणि संगम
निराहारी मनुष्य के भी विषय को निर्मित हो जाते हैं पर रस निवृत्त नहीं होता, परंतु इस स्थित के मनुष्य का तो रस भी परमात्मक तत्व का अनुभव होने से निवृत्त हो जाता है।
केशव आहे जिते पार।